कौशाम्बी से एसपी विधायक पूजा पाल ने संगम नगरी प्रयागराज में अपने घर के पास नर्मदेश्वर स्वरूप वाले शिव भगवान के मंदिर का निर्माण कराया है। ये नवनिर्मित मंदिर में मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य समारोह था, जिसमें फरवरी महीने में हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाली एसपी की बागी विधायक पूजा पाल के इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। पूजा पाल ने इस आयोजन को राजनीति से दूर रखने की बात कही, लेकिन एसपी की बागी विधायक के कार्यक्रम में डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी ने एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। तो मेरी ये सोच है कि यहाँ पर अच्छा विकास हो, यहाँ पे और भी जो चीजें पूजने योग्य है जनता जनार्दन के लिए वो चीजें बननी चाहिए, और ब्लॉक को भी लेकर के हो कि ये इलाहाबाद के पास होने के बावजूद भी कौशाम्बी का ब्लॉक है तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि वहां से हट करके प्रयागराज में जुड़े और विकास हो। बहुत दिव्य और भव्य मंदिर स्वयं विधायक जी ने और यहाँ के लोगों ने जो मिलकर के बनाया है, मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। यह मंदिर बाहर से ही एक अलग प्रकार की आस्था प्रकट हो जाती है, श्रद्धा प्रकट हो जाती है, और जो दिव्य मूर्तियां विराजमान यहाँ पर हुई हैं, वह भी दर्शन करके भाव विभोर करने वाली हैं, बहुत आनंद देने वाली हैं।